तो बहुत ज्यादा भीड़ दूसरे में लगाएंगे जाकर। असल में आप सबका वेलकम है गाइस, आज मुझे मिल गया है पगार, यानी मुझे मिल गई है मेरी सैलरी और जा रहे हैं आज बैंक में लगाने सैलरी। देखते हैं कि क्या रेट चल रहा है, कौन से बैंक में क्या रेट चल रहा है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ मुझे मिला कितना पगार और मेरी सैलरी है कितनी। तो दोस्तों मेरी सैलरी है 1650 रियाल सैलरी है, उसमें से हम 300 रियाल निकाल लेते हैं खाने के लिए। तो हमारे पास बचा कितना है, हमारे पास बचा है दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हो ये 500 का है, दूसरा ये 500 का है और ये, यानी मेरे पास है 1400 रियाल, आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ अभी बैंक में लगाने 1400 रियाल और देखते हैं क्या रेट चल रहा है। 1, 2, 3, 4 यानी कि 1400 यानी 1400 रियाल मेरे पास है। अब जाते हैं अभी बैंक में लगाने और देखते हैं क्या रेट चल रहा है यहाँ पर कतर के अंदर, क्या रेट नहीं चल रहा है और इस टाइम कौन से बैंक में कितना रेट चल रहा है और कौन से बैंक में कम चल रहा है और कौन से बैंक में ज़्यादा रेट चल रहा है और किस बैंक में लगाएंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। तो पूरी वीडियो आप लोग जरूर देखिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कतर की सारी वीडियो पाने के लिए, या जॉब से लेकर हो या बिजनेस लेकर हो, कोई भी वीडियो के बारे में या कोई भी जॉब के बारे में या बिजनेस के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि हाँ भाई इसके ऊपर वीडियो ना हो। तो आप लोग देख सकते हो, तो अभी हम जाएंगे यहाँ से लगाएंगे जाके अपनी पगार, देखते हैं इंडिया का कितना बनेगा और कतर का कितना बनेगा, यानी कतर टू इंडिया पैसा लगाने जा रहे रियाल और वहाँ पे बनेगा हमारा रुपया बनेगा इंडिया में और यहाँ से लगाएंगे रियाल तो हमारे खाते में पहुँचेगा रुपया। और देखते हैं 1400 रियाल का कितना वहाँ पहुँचता है हमारा और उसके बाद हम आपको वहाँ बताएंगे कि हाँ ये रेट चल रहा है यहाँ पर और इस बैंक में लगाइए आप लोग। तो दोस्तों देख सकते हो ये हमारे पास इतना रुपया बचा, इतना रियाल बचा हुआ खाने के लिए और ये है सैलरी, ये है हमारी सैलरी घर बेचने के लिए और ये है हमारा खाने का पैसा। तो दोस्तों आप लोग भी कहीं पर भी पैसा लगाते हो तो पहले आप लोग चेक करें कौन से बैंक में क्या रेट चल रहा है, कौन से बैंक में रेट नहीं चल रहा है, कितना रेट चल रहा है, तो हम लगाएंगे तो हमें फ़ायदा होगा। उसी हिसाब से आप लोग जाकर उसी बैंक में लगाइए जिसमें आपको फ़ायदा है। अगर आप 1000 रियाल लगाते हो आपको 100 रुपया, इंडिया का 100 रुपया भी फायदा हो जाता है, पैसा यानी कि पैसा पढ़कर मिल जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी। तो दोस्तों देख सकते हो अभी हम जा रहे हैं बैंक की तरफ और आप लोग उसी बैंक में लगाइए खास करके जिस बैंक में रेट ज़्यादा हो, यानी कि यहाँ से हम लगाते हैं 22 रुपया और 40 या 31 पैसा कुछ रहता है, तो आप लोग उसी जगह पे चेक करके लगाइए जिस बैंक में रेट ज़्यादा है उसी बैंक में आप लोग लगाइए क्योंकि आपको उसी हिसाब से पैसा। जो लोग कतर में रहते हैं तो गाइस उन लोग ये टावर जानते होंगे, ये टावर के पास अभी हम यहाँ से जा रहे हैं लगाएंगे जाकर और उसके बाद फिर मैं आप लोग बताता हूँ क्या रेट चल रहा है क्या रेट नहीं चल रहा है, आप लोग किस बैंक में लगाइए। आप लोग गूगल पर भी सर्च कर सकते हो कतर टू इंडियन रुपीज़, उस पर भी लिख के आ जाता है कि हाँ क्या रेट चल रहा है क्या रेट नहीं चल रहा है, तो आप लोग उसी हिसाब से लगा सकते हो पैसा। आप लोगों को पता है कि शाम के टाइम कितनी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है, अभी देख सकते हो ये सारा काफ़ी बड़ा है सारा, इसीलिए हमें ये सारा मिल गया है और सारा को हम पार कर चुके हैं क्योंकि शाम के टाइम काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है और भीड़ भी हो जाती है। ये राइट साइड में इधर पार्क बहुत बड़ा है भाई, ये गार्डन है और पार्क भी है, इसमें बहुत बड़ा है और इसमें यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। ये है तीसरा पुल, इस पेयर पर भी इस पे भी वही पेंटिंग बना हुआ है फुटबॉल के जो खिलाड़ी खेलते हैं, ये काफी बड़ा सुरंग है उससे काफी बड़ा पुल है, ये जो छोटा पुल था ये उससे बड़ा है। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ लोलू मॉल के पास, लोलू मॉल में देखते हैं यहाँ खाली होगा, भीड़ नहीं होगा तो यहाँ पर पैसा लगाएंगे, अगर भीड़ होगा तो फिर दूसरे में चार जाकर चेक करेंगे। पहले यहाँ दिखाते हैं आप लोग को लोलो मॉल, ये है लोलो मॉल, हमारी एंट्री हो गई है, लेके चलते हैं बैंक में, पूरा सजा हुआ भाई देख सकते हो, ये राइट साइड में बैंक है ये। तो यहाँ पर 22 भाई देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ दूसरे में लगाएंगे जाकर, इधर भीड़ बहुत ज़्यादा चल रहा है, 22:10 आप लोग देख सकते हो, 22:10 इस बैंक में चल रहा है लोलो के अंदर।
हम जा रहे हैं दूसरे बैंक में, क्योंकि यहाँ पर भीड़ भी बहुत है। आप लोग देखे भी यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। अब दूसरे बैंक में देखते हैं वहाँ पर क्या रेट चल रहा है। यहाँ 22:10 चल रहे हैं। तो मैं अभी आप लोगों को दूसरे बैंक में चल के दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पर 22:10 चल रहा है। आप जा रहे हैं दूसरे बैंक में, वहाँ देखते हैं क्या रेट चल रहा है। थोड़ी दूर पर है और वहाँ देखते हैं क्या रेट चल रहा है। और यहाँ पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर लग जाएगा मुझे 20-25 मिनट, आधा घंटा लग जाएगा। अब वहाँ चल के देखते हैं उस, क्योंकि भाई यहाँ पर तो बहुत कम रेट है। बहुत कम बोले तो बहुत कम, 22:10 चल रहा है यहाँ पर। हमने गूगल पर चेक किए थे कल तो 22:40 या 41 ऐसे दिखा रहा था, और यहाँ पर तो 22:10 जाएगा, यानी 22:10 वहाँ पर आपके खाते में पहुँचेगा। अब आगे चल के देखते हैं वहाँ पर क्या पोजिशन है, वहाँ पर क्या रेट चलता है, फिर मैं आप लोग। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं दूसरे बैंक की तरफ गली के अंदर से, और देख सकते हो हर कंट्री के फ्लैग लगे हुए हैं। यानी कि हाँ, बहुत ज़्यादा खुशी है लोगों में जो यहाँ फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है। बहुत से लोग यहाँ से मारेंगे राइट सिग्नल से, तो राइट में बैंक है यहाँ पर। इस राइट में भी देखते हैं कौन सा बैंक है, ये नहीं पता, पर यहाँ पर बैंक अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कौन सा बैंक है। दोस्तों ये बैंक है, यहाँ पर देखते हैं क्या रेट यहाँ पर चल रहा है, भीड़ है या खाली, उसके बाद में आप लोगों को दिखाता हूँ क्या रेट चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर भाई देख सकते हो यहाँ पर खाली, पर यहाँ पर रेट नहीं दिख रहा है कहाँ पर है। पैसा लग चुका है, ये दिखाता हूँ मैं आप लोग को क्या रेट लगा है और क्या रेट मिला है। तो दिखाता आप लोग को, अंदर वीडियो बनाना मना था, इसके लिए अंदर वीडियो नहीं बना पाया, तो मैं आप लोग को यहाँ दिखाता हूँ क्या रेट पे मुझे मिला है यहाँ पे, यानी कि क्या रेट पहुँचा है और क्या रेट पर यहाँ लगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 31,885 पहुँचा इंडिया, और हमने लगाया कितना, 1450 हमने दिया है इस जगह पर, देखिए 1450 और 15 रियाल लगाने का। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो यानी 15 रियाल लगाने का और 1450 हमने दिया था, तो यानी 1435 रियाल यहाँ से टोटल लगाया गया है, और 15 रियाल लगाने का यहाँ पर काट लिए अपना। यहाँ पर जो मुझे इस बैंक में रेट मिला है, पहले वाले बैंक में जब हम गए थे तो वहाँ पर 22.10 रुपया था, और यहाँ पर अभी दूसरे बैंक में गए थे तो यहाँ 22.22 रुपया था, यानी 22.22 रुपया था यहाँ पे दूसरे वाले बैंक में, और पहले वाले बैंक में 22.10 रुपया था, यानी कि यहाँ पर 14 पैसा हमें बढ़कर मिला। तो इससे हमें 2-400-500 इससे हमें क्या हुआ, इससे हमें 2-400-500-800 रुपया बढ़कर मिला इससे। तो इससे ये फायदा होता है कि रेट ज़्यादा है तो हमें पैसा भी ज़्यादा इंडिया पहुँच जाता है, बढ़कर भी मिल जाता है, ये फायदा होता है। अगर आप कभी भी बैंक में पैसा लगाते हो तो आप लोग चेक करके लगाइए कौन से बैंक में कितना पैसा ज़्यादा है, कौन से बैंक में कितना पैसा कम है, तो उसी हिसाब से ज़्यादा रहेगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। 100 रुपया 200 रुपया भी बढ़कर मिल गया तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है भाई। तो उम्मीद करते हो वीडियो अच्छी है लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ऐसे वीडियो पाने के लिए, क्योंकि भाई यहाँ पर हम लोग एक एक रियाल के लिए मरते हैं। वही एक रियाल, वही एक पैसा, 10 पैसा 20 पैसा हमको बढ़कर मिलेगा तो हमारे लिए बहुत बेहतरीन है।